गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई टीच यू अबाउट रेशनल नंबर एंड अबाउट रिप्रेजेंटेशन और रेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम कैसे खींचेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन, ये रेशनल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचते हैं जिस पर को देते हैं, बीच में इस पॉइंट पर को डालते हैं, ये को है, इसको हम जीरो लिखते हैं। इसके बाद सेट ऑफ यूनिट लेंथ ओ ए एंड ओ ए डैश, यहां से हम ओ ए लिखते हैं यूनिट लेंथ यानी वन, और इधर ओ ए डैश, ए डैश मतलब हुआ कि इधर निगेटिव आएगा, यहां पर वन आएगा, माइनस वन, ठीक। इसके बाद है क्या, ए रिप्रेजेंट इंटीगर वन, ए रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटीगर वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए डैश माइनस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना डिवाइड ओ ए इंटू टू इक्वल पार्ट, यहां पर हमको दिया हुआ है कि वन 1/2, देयरफॉर इट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में दो भाग में बांट रहे हैं दोनों, इधर भी और इधर भी, इसको हम लिखते हैं पी और इसको लिखते हैं पी डैश, इक्वल भाग में बांटते हैं। यहां पर जब हम इसको इक्वल भाग में बांट रहे हैं, ये क्या आएगा, यहां से यहां पर वन है, दो भाग में आएगा, तो ये हो गया 1/2, ये क्या आया 1/2, ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये क्या आया। अब है डिवाइड ओ ए इंटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड ओ ए डैश इंटू टू इक्वल पार्ट, इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, पी डैश के रूप में इसको लिखते हैं, ये हो गया माइनस हाफ 1/2। इस तरह से ये जो हुआ माइनस 1/2 कहां पर आया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया 1/2 और इस पॉइंट पर आया माइनस 1/2, हमको यहां पर दिया हुआ 1/2, इसलिए हम यहां पर रिप्रेजेंट क्या करेंगे, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम लाइन खींच करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हुआ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक सवाल ये हुआ, दूसरा है कि अगर हमको दे देगा 2/5 तो हम कैसे करेंगे, हम उसी तरह से नंबर लाइन खींचते हैं, यहां से यहां पर बीच में हम जीरो डालते हैं, यहां पर हमको ऊपर में न्यूमरेटर 2 है, इसलिए सबसे पहले 2 भाग करते हैं इसको, 1 और 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, नीचे में 5 है, नीचे में कितना है, न्यूमरेटर 5 है, इसलिए हम 1 को यहां से यहां तक हम 5 भाग में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 भाग जो हुआ ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5, तो ये क्या होगा 2/5, ये क्या होगा 3/5, ये क्या हो गया 4/5, और ये क्या हुआ 5/5, 5/5 को जब कटाएंगे क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि हमको यहां पर नीचे 5 है, एक भाग से छोटा है ये, 1 से छोटा है, यहां पर 5 से छोटा है ये डिनोमिनेटर, इसलिए यहां इसी के बीच में आएगा, तो आगे नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 भाग लेते हैं, यहां से यहां तक 1 ले लेते हैं, इसको क्या करना है 5 भाग में डिवाइड करते हैं, 5 भाग में डिवाइड करके अब ये इसको रिप्रेजेंट किए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, तो हम रिप्रेजेंट कहां पर करेंगे, किस बिंदु पर करेंगे रिप्रेजेंट 2/5 को, ये जो बिंदु हुआ ये हुआ 2/5, ये क्या हुआ ये 2/5 आ गया। इस तरह से हम किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी रेशनल नंबर को हम कर सकते हैं। अगर ठीक इसी को अगर यहां पर रहेगा -3/5 तो कैसे होगा, तो हम यहां से लेके यहां तक 1 भाग लेते हैं, पहले 1 भाग लेते हैं और इसको हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या हो गया -1/5,
माइनस टू बाय फाइव, माइनस थ्री बाय फाइव, माइनस फोर बाय फाइव एंड माइनस फाइव बाय फाइव। माइनस फाइव बाय फाइव को जब कटाएंगे क्या आएगा, वन आएगा, माइनस वन आएगा, आएगा ना, माइनस वन आएगा। इसलिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है माइनस थ्री बाय फाइव, तो माइनस थ्री बाय फाइव किस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है। हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया माइनस थ्री बाय फाइव। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ नंबर लाइन पर। अब क्या है, दो रेशनल नंबर के बीच, दो दो रेशनल नंबर की आवाज उसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कंपेरिजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कंपेरिजन कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, टू वी हैव गिवन टू रेशनल नंबर, हाउ कैन वी कंपेयर कंपेरिजन इट। जैसे टू बाय फाइव है, माइनस थ्री बाय फाइव, इसमें से क्या कैसे हम देखते हैं, तो यहां पर हम इसको एक तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इसको इसको हम गुणा करेंगे, टू इंटू फाइव, हम देखेंगे क्या होता है, फाइव थ्री जा फाइव इंटू माइनस थ्री, टू टेन हो गया और फाइव थ्री जा माइनस फिफ्टीन हो गया। क्योंकि माइनस जो होता है वह छोटा होता है, स्मॉल होता है पॉजिटिव से, ये बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये टेन इज ग्रेटर देन माइनस फिफ्टीन। जब टेन ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये दोनों ग्रेटर देन होगा, ये जो संख्या है, ये जो परिमेय संख्या है, ये ग्रेटर देन है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं टू बाय फाइव इज ग्रेटर देन माइनस थ्री बाय फाइव। इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एलसीएम फाइव हो गया, दोनों का एलसीएम फाइव हो गया, यहाँ टू हो गया और यहाँ माइनस थ्री हो गया, ये टू बड़ा है माइनस थ्री से, इसलिए ये जो है ग्रेटर देन हुआ, टू बाय फाइव क्या हो गया ग्रेटर देन हुआ माइनस थ्री बाय फाइव। इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन भी करना चाहिए, कंपैरिजन भी दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज फोर बी, एक्सरसाइज फोर बी, एक्सरसाइज फोर बी में दिया हुआ है आपको वन टू थ्री फोर तक बनाना है, वन टू फोर तक बनाना है, ये वन टू फोर तक का हम दे रहे हैं, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू में वन टू फोर तक का हम दे रहे हैं, वन तक, वन टू फोर तक का बना करके दिखाना है। इसके आगे फिर बताएंगे कि एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आसान है कि उसी तरह से हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, और अगर डिवीजन समान रहे तब तो और आसान है, नहीं तो फिर एलसीएम लेकर के एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं।